हेलो हाय नमस्कार प्रणाम सत श्री अकाल ओम साई राम जय माता दी हर हर महादेव बम शंकर। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट्स बॉक्स में आके जरूर बताइए। कुछ सजेशन अगर आपको मेरे लिए है, कुछ बातें आपको बतानी है, कुछ नए वीडियो चाहिए तो वो भी आप आके मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए वैसी वीडियो लेकर आऊँ। वीडियो को हमेशा एंड तक देखिए क्योंकि वीडियो आपके कुछ फायदे के लिए ही होती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जिस तरीके से हम बात करते आए हैं डिप्रेशन, मानसिक रोग, अवसाद की जो प्रॉब्लम होती है, तो कई सारी वीडियो मेरी आ चुकी है। होप कि आप लोग उससे फ़ायदा उठाए हो, आप सेहतमंद हो। कुछ टिप्स जो मैंने आपको दी है उन सब से आप लोगों के सेहत में कुछ सुधार ज़रूर हुआ होगा, मेरा मानना ये है, होप यही है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए होती है। और जो प्रॉब्लम्स है तो हम लोग जो बैठे हैं तो आपके उस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ही। तो कुछ पेशेंट रूबरू होते हैं, कुछ ऑनलाइन होते हैं, कुछ आप लोग हो, तो होप कि ऐसे वीडियोस से आप लोगों को सहायता मिलती होगी अपने सेहत को सुधारने में। आज इसी तरीके से मतलब पेशेंट की जब कुछ पेशेंट की ऐसी बातें आती है, कुछ अगर हमारे पास पेशेंट आते हैं तो ऐसे जो सिम्टम्स होते हैं, तो मानसिक रोग वाले जो पेशेंट होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनमें कुछ ऐसे लक्षण हम लोग देखते हैं। तो सबके साथ तो जाके बात नहीं कर सकते। जो हमारे पास आते हैं उनको हम सल्यूशन बताते हैं, उनको थेरेपी देते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। तो जब कुछ ऐसी नई बातें आती है तो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करती हूँ। इसी तरीके से एक पेशेंट आए जिन्होंने मुझे बताया कि बहुत ज़्यादा उनको हर बात से डर लगा रहता है, घबराहट होती है और बहुत डरते हैं। मतलब कि कोई काम करने से पहले, कहीं जाने से पहले, वो पहले ही कुछ मतलब सोच लेते हैं कि उनके साथ अगर वो बाहर निकलेंगे तो उनके साथ कुछ हो जाएगा। बाहर निकलेंगे तो क्या पता उनको लूज मोशंस लग जाएंगे। अगर मान लो कोई पेपर देने जा रहा है तो अगर वो पेपर देने गया तो हो सकता है कि वो एकदम से ब्लैंक हो जाएगा और उसको कुछ नहीं आएगा। तो बहुत सारी ऐसी बातें जो होती है। मेरे पेशेंट में ये था कि अगर मैं बाहर निकलूँगा तो मुझे बहुत कॉमन सी ये बातें होती है कि मुझे लूज मोशंस लग जाएंगे और अगर मैं कहीं रास्ते में जा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा और इस बात के लिए मुझे बहुत डर लगता है। अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो कहीं अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो हो सकता है उस पर मेरी जान जा सकती है। तो इस वजह से वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, कहीं जा नहीं पाते, वो स्किप कर देते हैं कहीं भी जाना। उस फियर को लेके वो मेरे पास में आए। तो ऐसे सिम्टम्स बहुत, जो मानसिकता, जो मानसिक रोग होते हैं अगर पेशेंट में, तो कई सारे ऐसे लक्षण देखे जाते हैं। तो कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं कि वो डर में जीते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ बातों से उनको डर लगा हुआ रहता है और इस वजह से वो काम नहीं कर पाते हैं जो काम उनके लिए नेसेसिटी है, जो काम उनके लिए ज़रूरी है। वो यही सोचते रह जाते हैं कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ अलग से उनके दिमाग में चलता रहता है। कि अगर मान लो कुछ तो ऐसा होता है कि मान लो अगर वो कुछ अपर फ्लोर पे रहते हैं और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हो सकता है मैं स्लिप कर जाऊँगा, और इसको वो माइंड में डिस्क्राइब करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें ना कल्पना में होती है, वो कुछ जो प्रैक्टिकल जो जो नेचुरल चीज़ें हैं उनसे दूर हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, शायद मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, वो दिमाग में बैठ जाता है। बाहर निकलने पे वो बाहर निकलने का ये नहीं सोचते हैं कि वो निकलेंगे तो, क्योंकि सभी निकलते हैं काम पे कि अच्छा ही होगा शायद, लेकिन वो निगेटिव थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं कि बाहर निकलने पे गाड़ियाँ चलती हैं, मैं अगर रास्ते चलते एक्सीडेंट हो गया, या मैं गाड़ी में हूँ तो हो सकता है कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसे निगेटिव थॉट्स ना उनके दिमाग में चलता रहता है। अब इसके लिए मैं सिर्फ, क्योंकि फिर से मैं बताऊंगी कि मेडिसिन तो मैं नहीं बताती हूँ, और इसके लिए ये चीज़ है कि थेरेपी आपको, क्योंकि आपको अपने माइंड को मतलब एक्सपोज करना है बातों से, रियलिटी से आपको बताना है। क्योंकि कुछ टाइम पहले आपको प्रैक्टिकल ये करना है कि आपको निकलना है, जिस चीज़ से आप डर रहे हो, जिन बातों से आप डर रहे हो, उनसे आपको और ज़्यादा मतलब उसके करीब आना है, उसको निकालना है अपने दिमाग से। इस वजह से आपको अगर कोई काम नहीं भी है तो कुछ दूर आप बाहर निकलो,
आप चलो, आप पैदल चल के देखो या आप ड्राइव कर रहे हो, गाड़ी निकालते हो अपने, तो आप ड्राइव करो, कुछ दूर जाओ, बेवजह जाओ, जाके आप आओ और ये थॉट्स क्रिएट करो आप मन में। जब निकलते हो घर से, आप निकलने वाले होते हो, तो कुछ एक ऐसी बात है कि कुछ नहीं होगा, मैं आराम से निकल रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से सेफली, मतलब बहुत सेफली मैं ड्राइव करूँगा और बहुत अच्छे से मैं बाहर निकल जाऊँगा और जो काम होगा मेरा मैं करके वापस आ जाऊँगा। तो ये थॉट्स आपको अपने माइंड में क्रिएट करने हैं, बोलना है आपको, आपको करना है। और ये निकलने से पहले आप बोलते रहिए, आप ये सोचो कि जो मैं करने वाला हूँ वो सब सही होगा, अच्छा होगा। जब आप इस तरीके से, मतलब एक दिमाग को आप इस तरीके से अलाउ करोगे, दिमाग में कुछ ऐसे बातें क्रिएट कर लोगे, तो दिमाग आपका वही बात सोचता रहेगा। और इसके लिए आपको ना बार बार बोलना होगा, बातें छोटी सी होती है बहुत इफेक्टेड होती है, बट तो आप इस चीज़ को बोलते रहोगे। मान लो आप कहीं एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आप या तो स्टूडेंट हो या आप टीचर हो, या तो एग्ज़ाम ले रहे हो या एग्ज़ाम दे रहे हो आप, तो उस टाइम में भी आपको यही सोचना है कि जो पेपर आएगा उसके सारे, क्योंकि मैंने प्रिपेयर कर रखी है और मैं बहुत तरीके से पेपर दे सकता हूँ, वहाँ के एनवायरनमेंट बहुत अच्छे होंगे। मान लो वहाँ मुझे अगर, कई लोगों को होता है कि बार बार कि अगर बाहर निकल रहे तो मुझे टॉयलेट आ रही है, तो आपको वहाँ ये सोचना है कि वहाँ सब चीज़ व्यवस्था होगी, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होगा, तो वहाँ पे मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं ब्रेक ले सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ। तो ये क्रिएट करना होगा आपके माइंड में। अगर आप मान लो जैसे पेपर, जैसे टीचर है वो एग्ज़ाम लेने वाले, वो भी उनके भी दिमाग में समटाइम, अगर वो मानसिक रोग से ग्रसित हैं, अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं उनके अंदर में, तो ये होता है कि अगर मैं एग्ज़ाम, तो हो सकता है कि मैं वहाँ पे फिट नहीं बैठूँगा या मैं एग्ज़ाम नहीं ले पाऊँगा या मैं उस तरीके से गाइडेंस नहीं कर पाऊँगा जिस तरीके से मुझे वहाँ एज अ टीचर रहना है। तो उस टाइम में भी आपको अपने माइंड को कहना है कि मैं सब बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ, बहुत अच्छे से हैंडल करूँगा वहाँ पे, और बहुत पीसफुली वहाँ पे मैं सारे माहौल को क्रिएट कर सकता हूँ और पेपर बहुत आराम से ले सकता हूँ। छोटी छोटे से टिप्स हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर आप वो करते हो अपने रोज़ के दिनचर्या में, एक दिन नहीं, अगर आपको लगता है कि आप डर रहे हो हर बात से, कोई भी बात करने से पहले, या तो कोई फंक्शन में जाने से होता है, क्योंकि कई बार लोगों को गैदरिंग अच्छी नहीं लगती है, गैदरिंग से उनको डर लगता है, फियर होता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग, हो सकता है कि मैं ढंग से कपड़े नहीं पहनाऊँ या मैं ढंग से बात नहीं कर रहा हूँ या मैं सबसे अलग दिख रहा हूँ, ऐसे माइंड में मतलब वो क्रिएशन वो क्रिएट कर लेते हैं ऐसे ऐसी बातों को। तो उस टाइम में आपको सिर्फ अपने लिए पॉजिटिव, मतलब जो थॉट्स है, पॉजिटिव बातें जो, वही क्रिएट करना है, आपको वही बोलना है। तो जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिकली करोगे धीरे धीरे, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, ये बहुत नॉर्मल बात है लेकिन बहुत इफेक्टेड है। अगर आप बोलते हो, जो चीज़ बोलते हो वो आपके दिमाग के सराउंडिंग आपके घूमता है और वो दिमाग में बैठ जाता है, तो आप हमेशा फिर पॉजिटिव ही सोचोगे और पॉजिटिव ही सोचोगे और जो निकलते हो आप, तो वो पॉजिटिव थिंक के साथ बाहर निकलोगे, फिर आप देखोगे सब कुछ आपके साथ अच्छा हो रहा है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो सॉरी। और अगर आप जैसे, आपको अगर एंजाइटी के अटैक आते हैं, डिप्रेशन के आप पेशेंट हो, अगर आपको लगता है बहुत फियर है, कुछ भी करने जा रहे हो तो आपको डर लगता है, आप बहुत जल्दी एंगर हो जाते हो या बहुत जल्दी आप किसी भी बात को ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, अगर ये सारी प्रॉब्लम्स है आपके अंदर में, तो मैं कुछ मुद्राएं आपको बताती हूँ, क्योंकि योग में योग मुद्राएं जो होती है तो वो बहुत कारगर साबित होती है आपके मानसिक स्थिति को स्टेबल करने में। अगर कुछ उथल पुथल चल रही है, कुछ आपके अंदर कोलाहल मच रहा है, तो वो सब चीज़ों को ना वो बिल्कुल शांत करती है, अगर आप इसको नित्य प्रतिदिन अगर प्रयास करते हो तो। सबसे बेस्ट जो मैं बताऊंगी तरीका है, या जो मानसिक रोग को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा एक ट्रीटमेंट है, तो वो सब है कि आप काउंसलिंग करवाओ, आप थेरेपी लो और आप एक्सरसाइज करो। आप योग अगर करते हो तो उससे आपकी मानसिक स्थिति बहुत स्टेबल रहती है और बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर क्रिएट हो जाती है, और बहुत मतलब ये चीज़ें होती है कि जो निगेटिव थॉट्स है उसको आप बाहर निकाल देते हो।
तो मैं स्टार्ट करूंगी आपको कि सबसे पहले हम जब मान लो कि आप एंजाइटी के पेशेंट हो, सम टाइम आपको अचानक से अटैक आ जाता है, क्योंकि एंजाइटी का अटैक आता है, घबराहट होती है, पसीने आते हैं, बहुत सी बेचैनी हो जाती है और कई बार लोग बेहोश हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो अगर ऐसे सिम्टम आपको मतलब बार बार अगर आपको होता है, तो आप कम से कम हफ्ते, 10 दिन 15 दिन इसका प्रयास करो। दिन में आप 2 बार कर सकते हो, आप अर्ली मॉर्निंग अगर उठते हो, कुछ जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप मानसिक रोग के अगर पेशेंट हो तो आप मॉर्निंग में उठ के आप वॉक लो, कुछ पॉजिटिव आप थॉट्स क्रिएट करो और कुछ जो एक मतलब अच्छी सी जो एक प्रकृति दिखती है आप उसको इंजॉय करो, खुशियाँ आप अपने अंदर एडॉप्ट करो। तो ये सब आप चीज़ें कर सकते हो। मॉर्निंग में उठ के आप किसी जगह स्थान पर मतलब किसी शांत स्थान पर बैठ सकते हो, वो आपकी बैल्कनी हो सकती है, छत हो सकता है, पार्क हो सकता है, कोई भी ऐसी जगह है जो आप चूज करो, वहां पे आप आराम से बैठ जाओ। आप पद्मासन, सुखासन या ब्रजासन कुछ भी आप लगा सकते हो, और लगा के आपको मैं बताऊंगी कालेश्वर मुद्रा। कालेश्वर मुद्रा आपको जो हमारा मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर के टिप्स हम एक दूसरे को ज्वाइंट करेंगे एंड थंब, इन दोनों को ज्वाइंट किया एंड जो बाकी की उंगलियां हैं उन्हें हम फोल्ड कर दें, लाइक आप लोगों को दिखते हैं इस तरीके से, ये बना कालेश्वर मुद्रा। सारी उंगलियां हमारी फोल्ड हो गई, मिडिल फिंगर दोनों एक दूसरे के टिप्स से टच कर रहा है, थंब भी एक दूसरे से टच कर। अब आप मान लो सुखासन में बैठे हो या आप पद्मासन में बैठे हो, ये बिल्कुल आपके चेस्ट के करीब होना चाहिए, अंगूठा आपके चेस्ट से टच होना चाहिए, जिस तरीके से हम नमस्कार मुद्रा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये कालेश्वर मुद्रा बना। अब ये आप इस तरीके से बना के आईज क्लोज करो और अपने ब्रीदिंग को पहले बिल्कुल सामान्य चलने दो, एकदम सामान्य चलने दो, और उसके बाद आप धीरे धीरे ब्रीदिंग को काउंटिंग में ले आओ। ऐसे हमने ब्रीदिंग ली, स्लो, बिल्कुल आराम से ब्रीदिंग आप ले रहे हो, आंखें बिल्कुल कोमलता से आपको बंद करनी है, फेस पे एक अच्छी सी मुस्कुराहट रखनी है, एक अच्छा सा थॉट्स क्रिएट करना है, और आप जो अच्छा आपको लगता है सोचना, जो चीज़ें आपको खुश कर रही है। मैं ये कालेश्वर मुद्रा बना रखी हूँ, आप लोग देख रहे हैं उंगलियाँ हमारी फोल्ड है, मिडिल फिंगर एक दूसरे से टच कर रही है टिप्स, और थंब एक दूसरे से टच कर रही है, और ये बिल्कुल हार्ट के चेस्ट के करीब, अंगूठे से जो हमारी जो हार्ट मतलब हार्ट की जो ब्रीदिंग है वो महसूस होनी चाहिए। और इस तरीके से आप बना के सामान्य आप स्थिति में बैठोगे, ब्रीदिंग आप पहले सामान्य रखोगे, उसके बाद आप डीप ब्रीदिंग इन एंड आउट आप इस तरीके से करोगे, और इससे आप देखोगे जब ये आप दिन में 2 बारी, अच्छा है कि आप मॉर्निंग में इसका अभ्यास करो, मॉर्निंग में आप इस वाले कालेश्वर मुद्रा के आप 5 से 7 बारी ऐसे अभ्यास आप कर सकते हो, और इस तरीके से आप रोज़ अपने जो दिनचर्या है आपके मॉर्निंग के जो दिनचर्या है उसमें आप रोज़ इसको शामिल कर सकते हो, रोज़ इसका प्रयास कर सकते हो। तो आप इससे देखोगे कि जो आपकी मानसिक स्थिति है, जो आपका डर है, जो एंजाइटी है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगा इसके अभ्यास से। तो कालेश्वर मुद्रा बहुत कारगर है अगर आप एंजाइटी डिप्रेशन के पेशेंट हो, आपको बहुत फेयर होता है किसी भी बात पे, आपको डर लगता है, तो ये कालेश्वर मुद्रा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए। दूसरा मैं बताऊँगी आपको मूर्ति मुद्रा। अब ये भी आपको, क्योंकि सारी मुद्राएं जो हम योग करते हैं, तो योग मान लो योग में आपने मैट बिछा लिया और ऊपर आराम से बैठे हो, जो भी आपको जगह जो शांत जगह है,
सबसे पहले कि अगर आप योग करते हो, प्राणायाम करते हो, मुद्राएं करते हो, तो आप एक शांत जगह आप चूज करो, और हमेशा मॉर्निंग का टाइम, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम हम सबके पास में होता है इतना कि हम लोग कर सकते हैं, तो मॉर्निंग का टाइम बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत हेल्प करता है। आप जो मुद्राएं बनाते हो या आप शांत बैठते हो, तो आपके पीस के लिए बहुत सारा, मतलब कि एक हेल्प देता है मॉर्निंग, इसलिए आप मॉर्निंग टाइम चूज करो। तो हम मूर्ति मुद्रा बनाते हैं। इसके लिए हमने ये सारे फिंगर को ऐसे स्ट्रांगली ज्वाइंट किया, सारे फिंगर को। अब हमारा थंब ऐसे आएगा, थंब भी आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। ये हमने स्ट्रांगली एक दूसरे से क्लोज कर लिया, एक दूसरे के, मतलब एक फिंगर से दूसरे फिंगर को फंसा लिया। अब जो हमारे ये लिटिल फिंगर, ये छोटी वाली जो हमारी उंगलियां हैं, उसको हमने ये ऐसे बाहर निकाल लिया, ऐसे। अब ये भी मुद्रा मूर्ति मुद्रा कहलाता है। ये मुद्रा अगर आपने बनाया, सारी मुद्राएं बिल्कुल जो हम इस प्रकार के मुद्राएं बनाते हैं, तो उसको हम चेस्ट के करीब रखते हैं। ये भी हमारे बिल्कुल चेस्ट के पास रहेगा, और फिर आप इस टाइम में कुछ भी नहीं करना, आपको बस सामान्य आपकी ब्रीदिंग चलेगी, बस सांस आप लोगे छोड़ोगे, इन एंड आउट। और जब आप ये मूर्ति मुद्रा बनाते हो और ब्रीदिंग आप इन आउट करते हो, तो धीरे धीरे आप देखोगे जैसे जैसे आपके सांस की प्रक्रिया, आपकी ब्रीदिंग की प्रक्रिया हो रही है, धीरे धीरे आप बिल्कुल शांत होते जाते हो, आपकी मानसिक स्थिति बिल्कुल शांत की तरफ जा रहा होता है, या आप बिल्कुल अपने अंदर एक पीस महसूस करते हो, शांति महसूस करते हो। तो आप इसका भी अभ्यास, मूर्ति मुद्रा का अभ्यास भी आप रोज कर सकते हो। चाहो तो एक बारी मॉर्निंग के टाइम आप कर सकते हो, एक बार सोने के टाइम में आप कर सकते हो। तो इस तरीके से इसको भी आपको 5 से 10 बार इसका अभ्यास आपको करना है। तीसरा मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि एक बहुत नॉर्मल छोटी छोटी मुद्राएं, मगर ये अगर आप एंजाइटी के पेशेंट हो, डिप्रेशन के पेशेंट हो, ओवरथिंकिंग के पेशेंट हो, बहुत जल्दी एंगर हो जाते हो, बहुत आपको डर लगता है, तो ये सारे मुद्रा आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा आपके मानसिक स्थिति को कंट्रोल करने में। तीसरा मैं बताने जा रही हूँ आपको, लोटस मुद्रा, ये कहलाता है लोटस मुद्रा। इसके लिए छोटी फिंगर एक दूसरे के टिप्स से, थंब एक दूसरे के टिप्स से, और ये जो सारी उंगलियां हैं वो खुल गई, बन गया ना लोटस। और इसको भी हम, अच्छा होगा कि अगर आप पद्मासन बना सकते हैं तो आप पद्मासन में बैठो, नहीं तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हो, इसमें ब्रजासन में भी बैठ सकते हो आप। तो लोटस मुद्रा आपने बना लिया, और ये अगर आप मॉर्निंग के टाइम में करते हो बिल्कुल सन के सामने में, तो एक जो वहाँ से आपको सन के पास से जो एक आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी, वो बहुत ही अद्भुत होती है, वो बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर हो सकता है तो ये आप मॉर्निंग के टाइम ज़रूर अभ्यास करो लोटस मुद्रा की, ये कहलाती है लोटस मुद्रा। दोनों छोटे फिंगर के टिप्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, थंब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एंड बाकी की उंगलियां खुली हुई है, एंड टाइटली, बिल्कुल टाइट आप स्ट्रेच करके उंगलियों को रखो, देख सकते हो आप लोग, ये बना लोटस मुद्रा। अब इसका भी अभ्यास आप रेगुलर कर लो, आप जब 2 दिन 3 दिन 4 दिन करोगे, जब आपको अच्छा लगेगा, तो ये आपके दिनचर्या में, आपके योग में, आपके प्राणायाम में, आपके एक्सरसाइज में शामिल हो जाएगा। तो अगर आप कुछ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हो, लगता है कि आप नहीं कर पाते हो, तो आप प्राणायाम में ये, अगर बैठते हो कुछ प्राणायाम आप करते हो, तो कुछ ऐसे मुद्रा है जो आप, योग मुद्रा है जो आप करके एंजाइटी को, डिप्रेशन को, एंगरनेस को, या आप कहो तो जो ओवर थिंकिंग है आपकी, या आप बहुत ज़्यादा डरते हो किसी बात के लिए, तो इन सब से, मैं यकीन मानो, अगर आप रेगुलर अभ्यास करते हो
तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है हमारे सेहत के लिए, हमारे इन बातों के लिए जो मानसिक रोग के जो पेशेंट है उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि इसका आप नियमित अभ्यास करो। तो ये दो तीन मैंने पहले भी आपको मुद्रा, आदि मुद्रा का बताया है, और इस तरीके से अगर आप ये मूर्ति मुद्रा, लोटस मुद्रा और कालेश्वर मुद्रा जो मैंने आप भी आपको बताई, अगर आप इसका अभ्यास करते हो तो आप बिल्कुल जो मानसिक रोग है उससे आप धीरे 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 आप दूर हो जाओगे, बहुत आपका मानसिक स्थिति कंट्रोल में हो जाएगा, आप शांत महसूस करोगे, आप सेहतमंद तो रहोगे ही और सारी जो प्रॉब्लम्स जो है वो तो ठीक रहेगी, आपके हार्ट की पोजीशन ठीक रहेगी, आपके लीवर की पोजीशन ठीक रहेगी, आपकी किडनी की पोजीशन ठीक रहेगी और साथ साथ आपकी मानसिक स्थिति ठीक रहेगी। तो ये सब जब इतने सारे मतलब पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं अगर इनको करने से, तो हम दवाई के साइड में क्यों जाएं? ये सब तो हमें मतलब रोज़ अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, 10 से 15 या 20 मिनट आपको निकालना ही चाहिए और आपको करना चाहिए। होप कि आप सब इन बातों को एडॉप्ट करोगे, आप करके देखो, करके देखो, आप मतलब अभ्यास इसका करते रहो, आप 4 से 5 बारी आप कर सकते हो, उसको आप आगे बढ़ा सकते हो, आप महीने 2 महीने और जब करने लग जाओगे, जब आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आपको नज़र आने लग जाएंगे, फिर आप इसको अपने दिनचर्या में शामिल कर लोगे। होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और इस तरीके के कुछ जो योग मुद्राएं हैं, कुछ प्राणायाम है, कुछ एक्सरसाइज है, अगर आप करते हो तो मानसिक रोग से आप दूर रहते हो। कुछ इस तरीके से जो थेरेपी है, जो मैं छोटी छोटी आपको थेरेपी बताती हूँ, जो आपको बोलना है, जो आपको लिखना है, पॉजिटिव थिंग्स अपने अंदर भरना है, निगेटिव थॉट्स को निकालना है, जो निगेटिव थॉट्स आते हैं उसको जैसे ही आपके दिमाग में आता है उसको निकालने की कोशिश करो और उस टाइम में कुछ पॉजिटिव बोलना शुरू करो। बोलने की थेरेपी जो होती है, जो बोलने की प्रक्रिया होती है, वो सीधा हमारे माइंड पर अटैक करती है और जब वो हमारे माइंड पर जाता है तो वही चीज़, वही पॉजिटिव बातें हम बोलते हैं, करते हैं और सोचते हैं। तो इस तरीके के आप अगर आप छोटे छोटे से मेरी बातें अगर एडॉप्ट करते हो तो होप कि आप सेहतमंद रहोगे और मानसिक रोग से बहुत दूर रहोगे। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में आके ज़रूर बताइएगा और जो ये आप लोगों के लिए बात है उसको एडॉप्ट भी ज़रूर करिएगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी को जिंदा दिल से जीते रहिए, सकारात्मक सोच के साथ जिए, एक दूसरे का साथ दे के जिए, जितना हो सकता है एक दूसरे का हेल्प करें, किसी की प्रॉब्लम अगर आपके सामने आती है तो उसको समझने की कोशिश ज़रूर करिए, अगर आप उसका समाधान ढूंढ सकते हैं या आप किसी प्रकार से उसका हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, इसी का नाम ज़िंदगी है या इसी का नाम इंसानियत है। तो अगर कुछ इंसानियत किसी भी लोग में थोड़ा बहुत ज़िंदा है तो एक दूसरे का हेल्प करिए। एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि ठंड का टाइम आ गया है और ठंड के टाइम में मतलब अभी विंटर सीज़न चल रहा है, तो इस टाइम में अगर आपको आपको लगता है कि कुछ आपके बच्चों के स्वेटर्स हैं, कुछ आपके हैं या कुछ आपके रिलेटिव के हैं, तो उनसे आप बोलो कि आप कहीं फेंको मत किसी को, मतलब इस तरीके से आप रखो मत कहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको उनकी बहुत ज़रूरत है, आप अगर हो सकता है तो किसी एनजीओ से कंसल्ट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, क्योंकि अभी मतलब ये इतना हो गया है कि आपके आप अगर एक फ़ोन नंबर मिलाओगे किसी एनजीओ का तो वो आपके घर से कलेक्ट करके ले जाते हैं, या आप खुद अपने गाड़ी में रख के या कैसे भी आप जो बच्चे जो रेड लाइट मतलब कि जो ट्रैफिक जहाँ पे होती है वहाँ पे होते हैं, या जो बच्चे किसी मंदिर के पास या आप कहीं भी दिखता है आपको, तो उन बच्चों को जैसे कि मैं बताना चाह रही हूँ कि जहाँ भी आपको वो नीडी बच्चे या नीडी लोग दिखते हैं तो प्लीज़ आप इस टाइम में चाहे वो कंबल है, चाहे वो स्वेटर है या कुछ गर्म कपड़े हैं तो आप वो जाके दे के आ सकते हो। अगर देते हो तो प्लीज़ इसकी नुमाइश मत करो, ये दिखाओ मत आप कि आपने कुछ चीज़ों के दान करे। जब हम गुप्त दान करते हैं ना, जब हम देते हैं तो वो वहाँ रजिस्टर्ड होता है। तो आप जिस तरीके से बाकी तो आप लोगों की मर्जी है, जो चीज़ें हैं कि कुछ लोग देते हैं तो वो सबसे पहले फ़ोटो खींचते हैं, मतलब वो चीज़ होता है, पर ठीक है कुछ लोगों को ज़रूरत भी होती है उनकी, क्योंकि सोशल मीडिया पे है तो उनको दिखाना ज़रूरी होता है। बट नहीं, अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आप अगर लगता है कि आप ये मतलब ये आपने यूज़ कर लिया बट ये सही है, कुछ चीज़ें सही है, तो आप वो उन गरीब बच्चों को दे सकते हो, उन लोगों को दे सकते हो जो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये ठंड में बच सकते हैं। तो प्लीज़ एक ऐसा पुण्य भी ज़रूर करिए। होप कि आप लोगों को भी यही ये भी बात समझ में आ रही हो, और कुछ लोग करते भी हैं,
बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे दान पुण्य करते भी हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। कुछ चीज़ें आपके पास अगर भरपूर मात्रा में सब कुछ है तो क्या होगा कि अगर आप इस बार कुछ नई चीज़ें नहीं लोगे तो, अगर अच्छी एक थॉट्स रहेगी कि मेरे पास सब कुछ है अभी, कुछ लोगों के लिए जो लोग ले नहीं सकते हैं, जो नीडी हैं, उनके अगर हम विंटर में अगर उसके उनको ठंड से बचाते हैं तो ये सबसे अच्छा पुण्य है, ये बहुत अच्छे कर्मास है। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से हंसते मुस्कुराते, कुछ अच्छी बातें, कुछ रियलिटी बेस्ड बातें और कुछ सकारात्मक सोच के साथ सेहत ऐसे रिलेटेड बातों को लेके मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हर हर महादेव। ओम शिव शंकर।